पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बैठी हूँ प्रत्यु की कुर्सी पे। मेरी कुर्सी नहीं, पापा की कुर्सी। सॉरी, डैड की कुर्सी पे। सो मगर आप बैठी हो उस कुर्सी पे? हम बैठे हैं, अभी ओपनिंग हुई थी। अच्छा, ये दूसरी चॉकलेट है। मत खाओ, मत चीट डे। होता जा रहा है कब से कब से। तो आज ही हम लोग का फैमिली आउटिंग का प्लान था, तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह ही आ जाती हूँ प्रतीक के साथ शोरूम। आई मीन अभी दिन हो रही है, बट हम लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और प्रतीक जल्दी से फ्री होएगा, फिर हम लोग जाएंगे आज शायद। कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे मूवी देखने, या फिर मॉल में से घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और क्या देखो इधर इस ड्रावर में नीचे। ये है ना? हाँ देखा। क्या है? क्या नग है? इतने सारे नग है, तो हीरे लग रहे हैं। वर्क करती है ना, ये तो नहीं जा रहा है। जाएगी तो पीछे से देखा। यही ये कलर जा रहा है देखने में, जितने तो हमने कहा देख लीजिए वो वाला है। ये वाला सही लग रहा था इसके ऊपर, तो तुम पहला दिखा लेते। स्कर्ट है और इसका क्रॉप तो क्रॉप का है। नहीं ड्रेस है पूरी, अभी गाउन प्रो गाउन है। मम्मी बता रही थी कि प्रतीक की शक्ल लड़की वाली थी। अरे लड़कियों की तरह है, बचपन में जब पैदा हो लड़कियों की तरह है। दाढ़ी में लड़की छुपी है, देखो इस दाढ़ी के अंदर ही लड़की छुपी हुई है। मतलब जब बचपन में पैदा हुआ था तब उसकी शक्ल मेरी गोल की तरह। कैसे हुए तू? फिर मम्मी ने पूजा पाठ कराई, मम्मी ने काफी नहीं उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं लड़का हो गया। थैंक गॉड तुम लड़की हो गए, मैं शादी किससे करती वरना। तो तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़का हो जाए नहीं सकता। होता चीना तब तुम क्या क्या करती मम्मी? फिर मैं लेस्बियन बन जाती पक्का। अगर मैं लड़की होता तो ये लड़का होती। नहीं नहीं नहीं, मैं अगर इस जोड़ी अगर मैं लड़की होता तो दो बेटे होते ना, नहीं ऋषि लड़की होती ना। मैं तो तुमसे ही शादी करती प्रतीक। बचपन में तुम ऐसा क्या दिखा था जो तुम बोलती हुआ की लड़की जैसा पैदा हुआ था, ऐसा क्या था? सब बोलते थे, मामा लोग भी बोलते थे की एकदम सुन्नी की तरह। सुन्नी की तरह है ये बोलते थे? ये थोड़ी ना बोलती की लड़की लग रही है। सुन्नी मांगू आए ना, हमने इसको फ्रॉक, वो चंदा सुन्नी लड़को आए। मम्मी पिक्चर है फ्रॉक वाली। हाँ है। अरे मम्मी अगर पिक्चर दोगी तो मैं यहाँ अटैच कराऊंगी गाइस, दिखाऊंगी प्रत्यु की फ्रॉक वाली पिक्चर। सो क्यूट। मैंने स्विगी जीनी से अपना खाना मंगाया है एंड स्विगी जीनी पे दिखा रहा है इट इज डिलीवर्ड और अभी तक फूड डिलीवर नहीं हुआ है और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं चैट पे चैट भी कर रही हूँ, 10 मिनट हो गए और स्विगी जीनी का कोई रिप्लाई नहीं है। मतलब उसके चैट पे कोई हेल्प के लिए रिप्लाई भी नहीं आया है भाई। पता नहीं इतनी बड़ी ब्रांड है, कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखते हैं। लिया आ गया खाना, क्या है आज देखे खाने में। स्कूल वाली वाइब आ रही है, जैसे स्कूल में बैठ के हम लोग टिफिन लाते थे वैसी वाली वाइब आ रही है। तो गिरा नहीं थी ना? हाँ उसने अच्छे से पैक किया है, गिरा वगैरह नहीं। सही कह रही हो। कैसे? वाओ मूंग, ये मम्मी मुझे बना के देती थी स्कूल में, मूंग और रोटी। ये स्कूल टिफिन में मेरा फेवरेट नाश्ता था। गिरता नहीं था? नहीं, ऐसे ही होते थे, मतलब कम उसमें होते थे। मम्मी ने आलू और तुरई, फिर आलू, फिर आलू। नहीं बनते हैं। गाइस आई एम सेलेक्टिंग आउटफिट फॉर माय रील्स। एक ये आउटफिट बहुत अच्छा है, एलिफेंट स्लीव्स के साथ। पकड़ के दिखाओ प्रति। ओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है। कोप रिस्पांस गाइस ने शो किया है व्हाट्सएप पे और इसका फेस पूरा किरकिरे स्पेशली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, यूएई, यूएसए, यूके, मॉरिशियस, बहुत हो रहे हैं। यूएस हाँ ये वाला, यही वाला कलर दिखाइए, अच्छा लग रहा है। वो आप दूसरा वाला चाहिए हमको तो इन्हें क्या चाहिए? ओ वाओ इसका ब्लाउज का है, ये कितना सुंदर लग रहा है। घूमने गया तो सुंदर कलर है यार। घूमने गया था। ओ वाओ कितना प्रिटी लग रहा है ये। क्या क्या देखिए, व्हाट्स द प्राइस? नियर अबाउट 8000 बस अंदर ही है ना। कितना सही लग रहा है ये, रख के देखो बहुत सुंदर है।
एक और वेरिएशन है इस कलर में, नियॉन ग्रीन। नियॉन ये कलर बहुत इन होता है समरिश। हाँ समर में बहुत इन होता है। वाओ मेरी यहाँ कोई शादी होती तो मैं पक्का पहनती होती। हल्दी में कुछ नया कलर पहनना हो येलो से। हाँ ये बहुत अच्छा। ओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये मुझे दे दो, मैं रील बनाऊंगी इस पे। ये बहुत प्रिटी है और ये साइज का भी है। सौ रुपए है। देखो कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके लिए बहुत पतला हूँ। क्यूट मम्मी। ये कितना प्रिटी लग रहा है, वो कितना सुंदर है। ये देखिए गॉर्जियस दुपट्टा। पीस और दिखा दे जो कस्टमाइज़ खुद करा है। ये खुद कस्टमाइज करा है। ओ वाओ ये ऐसा, ये वाला थोड़ा टाइप का दीपिका पादुकोण की शादी का लहंगा। ये देखो कितना अच्छा है ये। सुना इसका देखो तो ब्लाउज। ओह वाओ एंड इसकी स्लीव्स देखिए, एलिफेंट स्लीव्स। क्या कौन सी बोलते हो? एलिफेंट स्लीव्स नहीं, इसमें स्लीव्स दी हुई है, इसमें दुपट्टा अटैच है। अटैच है। अच्छा अच्छा वो ऐसे ही नॉट इसमें दुपट्टा दे दिया है। मैं सीधा करना दुपट्टा, दुपट्टा ऐसे पीछे कर दीजिए। ये ऐसे होगा। ओके ये देखिए सो नाइस। ये मैं एक बार लगाऊं? हां लगा लो ऊपर से लगाते हैं। और देखते हैं अगर पसंद आ रहा तो ले लो। नहीं क्या किसकी शादी में अलवेयर? मेरा सारे सही है, वो वाले मोटे रहे नहीं। उधर कहाँ पे लूज पहना है ना? कोई फर्क नहीं है, यहाँ से आने में थोड़ा सा फैट आ गया तुम्हारा। ये पीछे आएगा ना? हाँ एक जन इधर आओ। ये ऊपर से कोई पकड़ो, ऊपर से कोई पकड़ो जरा। हाँ आप इधर घूमो चुना। ये पहन क्या हो गया ना, ये बहुत क्लास पीस है। ये तुम्हारी जो ऑयलिंग हो रखी है उससे थोड़ा पीस डाउन हो रहा है, बाकी तो अच्छा ही है। ऑयल से तुम्हारा पीस थोड़ा खराब हो रहा है मेरा। नहीं ऐसे ना बोलो, अच्छा लग रहा है पीस पर, अच्छा लग रहा है। गाइस देखो धूम मचा ले, कैसे उतर रहा है, कर क्या रहा है बंदर, कुछ नहीं करेगा। गाइस देखो कितने सारे बंदर बैठे हैं। ये आज जिसकी टीवी की वायर होगी वो तो गई, वो जाएगा नहीं, वो वायरिंग मोस्टली अंडरग्राउंड करा। अच्छा अंडरग्राउंड हो गई है ये टीवी की वायर नहीं, यहां पे सब शोरूम कमर्शियल सारे हैं ना। तो ये कितने बंदर है भाई, क्या हो गया ये? ये वानर से ना क्यों आ रही है इतनी सारी? यहाँ बहुत ज्यादा था पहले, यहाँ पेड़ थे ना काफी। हाँ। तो तुम पहले यहाँ रहते थे अलाहाबाद में? हम लोग के भाई छत पे पर थे, कितने बंदर आते थे। अच्छा, वो बना दिया ना अगर डिस्प्ले। हाँ। उनको मजा आता है बहुत। ये इंजॉय करते हैं। वाओ कितना अच्छा क्लासी एरिया। नहीं हम लोग आएंगे यही इंजॉय करेंगे, हमारे लिए ताजमहल है। और ताज चलते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ पे मूवी देखने आए हैं और हमारे जो मॉम डैड है वो मूवी देखने नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो फैमिली मूवी अगेन गॉट कैंसल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच जर्सी विद दिस। प्रतीक का बहुत मन है टू वॉच जर्सी। लिफ्ट निकल गई, वो फुल होगी मे बी। टाइम याद आ रहा मुझे कि शादी को हम लोग को एक साल हो गए, निकल गया पता ही नहीं चला। शादी की तैयारी भी हो गई तो हो जाता है यार, टाइम निकल जाता है मालूम नहीं चलता। लोग परेशान होते शादी में ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे, कैसे हो पाएगा वहाँ, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एवरीथिंग हैपन। सो अभी हम लोग आ गए थे मूवी देख के एंड वी आर इन द टेरेस नाउ, वी आर वॉकिंग एंड देख के वॉक कर लेके गिर रहे हैं बिकॉज बहुत अंधेरा है। सो गाइज मे के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज डेली व्लॉगिंग प्लस फैशन। व्लॉगिंग करेंगे आप? डेली व्लॉगिंग प्लस फैशन, मतलब जब जब होगा मोस्ट ऑफ द फैशन कंटेंट आई एम प्लानिंग टू क्रिएट फॉर दिस मंथ। सबसे पहले तो आई वांट यू टू वो जो सेलिब्रिटी लहंगास है हां 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 उनको तुम वेयर करो। डेफिनेटली एक ब्लॉग में सेलिब्रिटी लहंगास प्रतीक जो लाया है, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज डिजाइन कराए हैं जो सेलिब्रिटीज के जो डिजाइन है वो हमने
उसकी रेप्लिकास बनवाई हैं, इनको पहनाएंगे और आप देखेंगे। यस, सो एक ये होने वाला है और डेली व्लॉग्स जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है एंड व्हाट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एंड एवरीथिंग वो आपको डेली व्लॉग्स में दिखेगा। गाइस ये देखो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा है, वो शूट कर रहा है और एडिटिंग पता किसने करी है, मशीन ने। क्या एडवाइस दे रहा है जरा बताया जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको? इसकी एडवाइस सुन मैंने, मुझे पूछे एडवाइस का दे रहा है, बताओ तो शुरू तो मैं भी बहुत अच्छी एडिटिंग करी है, एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया, बट मैं आऊंगा तो और अच्छा वीडियो बना सकता। अच्छा आरिफ शूट करेगा? मोस्ट वेलकम, घर तो आए पहले, वो नोकिया 1100 लेके आएगा, इसको बोला कि सेवई लेके आना, मतलब बढ़िया सा बिरयानी लेके आना। हाँ वही का तुम हाँ होनी चाहिए ना, वही सेम तो कह रहा था कि खुद बना लेना था। अरे सब बना मैंने दिए। अरे पैसे मत करो यार, नहीं हमें चाहिए। सो गाइस आज का जोक पढ़ती हूँ मैं, तुम पढ़ोगे, तुमने बोला था आज का जोक तो मैं पढ़ूंगा यार, मेरे ऊपर का क्या जो मैं पढ़ने वाला हूँ। तो ये जोक है बाय दिशी अरोड़ा। ओके शाउट आउट टू दिशी अरोड़ा। जोक ऑफ द डे, पति जब बाल कटवा कर लौटता तो पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाब, पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता है अभी अभी पैदा हुए हो। लोल, हाँ वैसे होता है, इट इज जोक नहीं है, रियलिटी है। लड़के अपने दाढ़ी मूंछें कटवा ले और बाल कटवा ले तो वो बहुत यंग लगने लग जाते हैं बच्चे। दिस इज ट्रू गाइस, आप लोग जोक बहुत कम भेज रहे हो, सो प्लीज कमेंट डाउन योर जोक्स, भेजिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो को और पॉजिटिविटी फैलाइए गाइस। अगर आप पॉजिटिविटी करोगे तो वापस से मिलेगी, नेगेटिविटी करोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। It's like voice of words, whatever you choose is up to you guys. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and I will keep coming up with such kind of videos and aise hi bahut support karo, pyar karo. Yeah, please. Bye. Bye.